फाइनली ट्रैफिक जैम और लंबे रास्ते के बाद काफ़ी लंबा सफ़र है हमारा यहाँ तक का, 40 मिनट्स से कुछ ज़्यादा ही है। तो जनाब यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम लोग, उस जगह पे हो, इतनी प्यारी जगह पे। तो यहाँ पे हम लोगों को यही था कि रास्ते में ट्रैफिक जैम है और ये पता नहीं हमें मिलता है मौका नहीं, क्योंकि 6 बजे के बाद ये बंद हो जाता है यहाँ पे, ये जो बोट वगैरह वाला सिस्टम है तो बोट की राइड ये बंद हो जाती है। और हमें इससे आगे भी एक जगह जाना है, वो मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाई थी डेंजरस राइड के नाम से, बट वो डेंजरस नहीं थी। बस वो ये था कि जब वो मोड़ मुड़ती थी तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा लगता था उस पर डर, अदरवाइज़ वो बहुत अच्छी और बहुत मज़े की राइड है। तो आगे जाके मैं आपको वो भी दिखाती हूँ, तो चले आप लोग मेरे साथ इंजॉय करें। हाफ आवर था 30 मिनट्स, तो वो हो चुके हैं यहाँ पे ख़त्म और अब हम जाने लगे हैं अपनी दूसरी जगह, और वो इससे थोड़ा सा ही आगे है। ये पूरा एरिया है काफ़ी बड़ा है और ये श्वार्ज वाल्ड ही कहलाता है, 4 बाग इसके बीच में आता है और ये बहुत काफ़ी बड़ा सारा है। मुझे तो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं कि किस तरीके से कौन सी जगह से क्या निकलता है, मैं तो हमेशा अपने हस्बैंड के साथ आई और उन्हीं के साथ मुझे पता है कि कहाँ जाना है क्या नहीं करना कहाँ नहीं जाना। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं और लकीली ये भी अभी टाइम है और ये बंद नहीं हुआ, और क्योंकि मेरे हस्बैंड यहाँ पहले आ चुके हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मूसा फ़र्स्ट टाइम आया, और वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था कि वो पहले ही अंदर चला गया था, फिर बाद में उसको हमने दूसरी तरफ से निकाला क्योंकि ये रास्ता है यहाँ से जाने का उस पर जाना। तो जनाब हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं, मैं अकेली बैठी हूँ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम बैठ रही थी और मेरे हस्बैंड ने मुझे काफ़ी गाइड किया था कि इसको अगर नीचे की तरफ रखोगे इसकी जो हैंडल्स है साइड पे तो वो चलता रहेगा, बट जब मोड़ आएगा जब कट आता है तो फिर उसको अपनी तरफ खींचना, क्योंकि उस वक्त ये एकदम से बहुत तेज़ हो जाती है। तो यहाँ पे जब तक चल रहा था मतलब स्ट्रेट था तो फिर तो मतलब सही जाता रहा रास्ता, बट जब मोड़ आने लगा
और उन्होंने वहाँ पे वैसे भी लिख के लगाया हुआ था कि आपका जो मोबाइल है वो मोबाइल नॉट अलाउड। और ये हमारे लिए बेहतर है क्योंकि वो एकदम से मूर्ति है ना, जब ये इसी तरह इसकी ये जो जिस पे हम लोग बैठे हुए हैं वो जब मूर्ति है ना तो वो एकदम तेज़ हो जाती है और झटका आता है, उससे हमारा मोबाइल भी गिर सकता है क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं अपनी कोई पिक्चर्स ले रहे हैं, तो ये तो हमारे साथ हमारा नुकसान है। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया जो उन्होंने लगाया हुआ, और उस रूल को हमें फॉलो करना था। तो जब तक ये स्ट्रेट जा रही थी और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी तब तक तो मैं वीडियो बनाती रही, बट उसके बाद मैंने रख दिया था मोबाइल। तो ये है ये जगह, ये इसका बाहर बोर्ड लगा हुआ है इस तरीके से जिसके अंदर हम गए थे, और ये जो कुछ बच्चों के लिए अलग से भी कोई एडवेंचर टाइप उन्होंने पीछे की साइड पे बनाया हुआ था वो उस टाइम बंद था, बट वो बड़े बच्चों के लिए था, 12 साल से बड़े बच्चों का था। तो बाद में हम इसको इस यहाँ के पार्क में ले आए, और बस ये था मेरा आज का व्लॉग, और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी ये जगह। और जो जर्मनी में ये रहते हैं उनको पता भी होगी ये जगह, और जिनको नहीं पता वो ज़रूर यहाँ का विज़िट करें। तो अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।